रिशु बंद कर बंद कर बाइक 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 बंद कर। ये हमारा पार्सल है, ये आ चुका है। अगर कुछ भी होता है और अपना जो स्लीपोन है वो लग चुका है। करता हूँ 6069 6069 ये भी 6069 एंड ये भी 6069। कांग्रेचुलेशन भैया, 10K कंप्लीट हो। अब इसको धक्का लगा के दोस्त क्या खड़ी कर रहे हैं। एक बार टंकी भराओ और पूरे महीने चलाओ। तो बाइक की आपको एक बार हालत चेक करता हूँ। ये हालत कुछ इस तरह की है और ये हालत बयां कर रही है कि किस तरह कीचड़ विचड़ से हम लोग हो गए हैं एंड कैसी ऑफ रोडिंग हमने करी है। साथ में जो चैन सेट है वो देख सकते हैं भाई, कितनी क्लीन हो रखी है। तो अभी पैडॉक भी लगा दिया मैंने, जस्ट जुगाड़ करके लगाया क्योंकि मेरे पास ना स्पाउस नहीं थे, तो मेरे यहाँ पे दो नट मिल गए घर पे। इसको फिलहाल क्लीन करते हैं, हालत चेक कर सकते हो। सो बाइक वॉश होने के बाद कुछ इस तरह की लग रही है एंड ये चेक कर सकते हो। पहले जो लग रही थी ना, पहले ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ से लेकर निकाल के लाया हूँ, लेकिन अब फाइनली न्यू लग रही है। लेकिन कुछ सेजेज आ रखे हैं, ये चेक कर सकते हो। एक सेजी आ रखा है पूरा टंकी पे एंड बैग से पीछे जो बैग कैरी कर रखा था जाते हुए, इससे तो भाई पूरी हालत ख़राब हो रखी है पीछे। इससे दोबारा अपनी पेंट कराना पड़ेगा। हमने अपनी बाइक खड़ी है, ये भी अपनी है भाई और ये भी अपनी है। और नंबर एक बार चेक करता हूँ, 6069 6069। वैसे तो इंस्टाग्राम पे डाल रखा है लेकिन फिर भी आप लोग चेक कर लो जो यूट्यूब पे, ये भी 6069 एंड ये भी 6069 भाई। सो चेक कर सकते हो भाई कलेक्शन अपना। सो अभी बाहर बारिश हो रही है एंड एक गड्ढा भी हो गया तो कुछ कर नहीं सकता, तो मैंने इसका एग्जॉस्ट चेंज कर दिया। चेक कर सकते हो अपना जो स्लीपर है वो लग चुका है एंड इसको खोलने के लिए कुछ नहीं करना होता आपको, बस एक नट यहाँ से खोलना है, एक नट यहाँ से खोलना है और एक नट यहाँ से खोलना है, तो आपका जो स्टोक है वो निकल जाएगा। फिर इसके दो नट टाइट करने हैं, एक ये वाला एंड दूसरे वाला, सिंपल है। और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। तो एक बार इसको आपको स्टार्ट कर देता हूँ, एक बार इसको कोड स्टार्ट करता हूँ, काफ़ी दिन हो इसको स्टार्ट किए हुए। चलो भाई देखते हैं कैसे साउंड आएगी। तो बाइक तो आज निकाल नहीं पाएंगे, अभी चलते हैं करण भाई के पास और करण भाई के साथ ही चलते हैं शॉप पे। कांग्रेचुलेशन भैया, 10K कंप्लीट हो गए भैया आपके। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे 10K पूरे हो चुके हैं एंड ये केक देख सकते हैं, ये सब हमारे भाइयों ने अपनी तरफ से हमें गिफ्ट करा है एंड अभी इसके केक कटिंग करने वाले हैं। अभी वेट कर रहे हैं दो चार भाइयों का, ये स्काई भी आ रखे साथ में, अरुण भाई भी है, ऋषि भाई है और ये ऋषि भाई भी है साथ में, मनीष भाई है, दीपक भाई एंड अर्जुन भाई है। ये अर्जुन भाई एक ही दो मत समझना। सबसे पहले तो थैंक यू आप सभी को, आपने 10K पूरे करा दी एंड थोड़ी मेहनत लगी, मतलब 4 महीने पहले 9K हो चुके थे, लास्ट 4 महीने खाली 1000 सब्सक्राइबर है, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है ऊपर नीचे चलता रहता है। तो फिलहाल केक कटिंग करते हैं एंड थैंक यू आप सभी को इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए। चलो भाई केक कटिंग। टेन कैसे मिलियन पे जाना है? ये तो भैया पूरा स्विमिंग पूल है और अभी आपको चेक कराता हूँ। सारे से दिखा रहा हूँ अभी हम लोग की बाइक में, मतलब जो मेरी बाइक है वो भी मैं लेने जा रहा हूँ घर पे। और स्विमिंग
फूल, और ये चेक करो भाई यहाँ खराब हो जाएगी बाइक बनी इसकी। खतरनाक माहौल है भाई। और एक बाइक हमारे यहाँ पे खराब होगी तो उसे देखने के लिए आ रखे हैं, और ये चेक कर सकते हो खराब की वजह से पानी आने चला गया। क्या हो गया मनीष? गाड़ी खराब होगी, तूने बीच में वो छोड़ दी थी रेस। क्या निकल गया? उसका स्टैंड का हाँ। अच्छा, और ये स्टैंड के उसमें स्टार्ट नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो पूरी रोड पे देख सकते हो पानी पानी हो रखा है। इसमें सेंसर होता है कि अगर स्टैंड नीचे ना तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। आप न्यूट्रल में करो तब स्टार्ट हो जाएगी, गियर डालते हो बंद हो जाएगी, और जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है ये लगेगा ना, इसमें एडजस्ट होगा नहीं फिट। इसके अंदर का भाई ये सिस्टम जो कुछ है वो टूट गया, तो अभी वो स्टार्ट तो हो रही है लेकिन वो स्टैंड जैसे वो दिक्कत कर रहा है, गियर डालते बंद हो रही है। अब इसको धक्का लगा के दोस्त यहाँ खड़ी कर रहे हैं, एंड अभी हम चलते हैं इसका ही बाइक पे और अपनी बाइक निकालते हैं घर से, फिर देखते हैं क्या सीन बनता है। वैसे तो बारिश कमी हो गई तो कैंसिल ही सोच रहा हूँ, मैं कैंसिल कर दूँ। बाकी अभी चेहरे से पहचान सकते हो कि मेरे कैंसिल करने से क्या हुआ। ये पड़ी ने लगा था। बाइक उसकी, गली मेरी, और हालत देख सकते हो अभी यहाँ से बाइक गई मिट्टी नीचे खिसक गई। ये पूरा कॉलोनी इन्होंने ऐसे खोद रखा है पाइप लाइन के लिए ना। मिट्टी धस गई अंकल जी, निकाल लो आप, निकाल लो कोई नहीं पहले। ये आज यूट्यूब हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है भाई। देख लो ये वीडियो पका दे इसलिए बन रही है, अगर कुछ भी होता है। और भयंकर बहुत आराम से निकल गई, ये देखो मैंने यहाँ से निकाल के लेके आऊँ। थोड़ी दिक्कत हुई लेकिन कोई नहीं, निकल गई जैसे तैसे। एंड ये अब चल रहे हैं स्काई के साथ, बाइक ही अपनी दोनों निकल चुके हैं, अब लेके चलते हैं। एंड जब ये लास्ट टाइम खड़ी करती तब वॉश करके खड़ी कर दी, हाथ छोड़ दू कोरा बाहर निकालते हुए, क्योंकि दोबारा गंद हो जाएगी। एक चीज दिखाता हूँ, अच्छा एक चीज दिखाता हूँ अपने, मैं कर देता हूँ क्या नहीं, नहीं यार भैया नाम दो। अच्छा एक चीज दिखाता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ भाई, बहुत दिन से इस चीज का वेट कर रहा है। टक्कर ना मार दे मेरे, मैं नहीं कर रहा। क्यों कर रहे हैं काम का बाइक को? ये पहन कर पीछे पीछे आ गए, तो उतर के देखा नहीं हो क्या रहा है, आगे आ गया। देख देखो मनी वो आएगा, ऋषु ऋषु बंद कर बंद कर, बाइक बंद कर 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 ऋषु बंद कर बंद कर बाइक 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 बंद उसने बाइक बंद क्यों नहीं करी? करिए दोबारा। देख ऋषु ऋषु बनाइयो बनाइयो ऋषु बनाइयो, देख वीडियो बनाइयो, देख 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 जल्दी भैया जल्दी। तो काफी देर राइड करने के बाद हम लोग पहुंचे ढाबे पे, और अभी टोल टैक्स से मुश्किल से ऐसे चला हुए 10-12 किलोमीटर, और 10-12 किलोमीटर में ऐसी हालत हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि भीड़ देख सकते हो। ये रोड अपोजिट साइड चल रही है, जो दूसरी रोड है सामने वो चेक करो, वो तो पूरी फुल हो गई जल्दी है। एंड साइड वाली क्या, यहाँ से लोग रोंग साइड आ रहे हैं, यहाँ पे ढाबे पे चाय पीते हैं थोड़ी देर। तो ये तीनों बाइकों अपना लाइनअप हो चुका है, वैसे कैमरा क्लियर नहीं आ रहा और साउंड भी बताइए कैसी आ रही है, क्योंकि पूरी देर बाइक से भीगने के बाद क्या हाल होता है फोन का वो मैं आपको बता नहीं सकता, वो मैं सिर्फ फील कर सकता हूँ। पूरी कर देना मिट्टी मिट्टी हो, देखो यहाँ गर्दन में हो रही है मिट्टी मिट्टी भैया, के कौन सा पानी यूज करा जा रहा है देख लो भैया। बड़ी खतरनाक राइड हुई, एंड अभी जस्ट पहुंचे हैं, 2 घंटे की राइड करके आए, थोड़ा बहुत मज़ा भी आया, और बम भोले हर जगह यही गूंजा था, और अच्छी बात है पूरी कावड़ का माहौल ऐसा हो रखा पूरे हरिद्वार में चकाचक, और पूरा मज़ा आया। बाइक से अंदर राइड करने का मज़ा अलग ही होता है, बस ये कि 40 की स्पीड से ऊपर नहीं जा रहे थे हम लोग,
क्योंकि बारिश की बूंदे इतनी तेज पड़ी ना भाई, पड़े बट एंड बाइक भी हाल चेक कर सकते हो। अभी आपको एक बार बाइक को भी हाल चेक करता हूँ प्रॉपर, ये देखो। सो ये तो भाई मुझे सही में इसका बहुत दुख है, आज निकली और आज ही बारिश में इतनी गंदी हो गई। ये कौन सी बाइक है भैया? ये स्प्लेंडर भैया। ये कितने की आती है? ये 1,00,000 की। एक भैया इसकी राइड मिलेगी भैया? नहीं भैया, पेट्रोल खर्च नहीं होता ना, क्या करूँ, कहाँ से पूरा नहीं हो पाता। कितना भैया इनका एरे देती है भैया? 40-50 का तो होगा। हाँ 50+ दे देती है। एक बार टंकी भराओ और पूरे महीने चलाओ। तो बाइक की हालत ऐसी हो रखी है, अभी इसको जाके थोड़ा पानी वानी मार दूँ, क्योंकि घर पे खड़ी कर दूँ ऐसे फिर भाई धोने में बड़ी दिक्कत होगी। अभी चेन वेन के अंदर जो भी डस्ट वगैरह जा रखा हो पानी से हट जाएगा। सो गाइस वीडियो को एंड करने से पहले आपको एक नई चीज़ दिखा देता हूँ, कि एक चक्का चीज़ दिखा देता हूँ। ये चेक कर सकते हो, हमारा जो सामान था जो पार्सल था वो आ चुका है हैंड। ये चेक करो कितना लाइट वेट है, यहाँ से उड़ जाएगा। सो ये चेक कर सकते हो, ये हमारा पार्सल है, ये आ चुका है। एंड इसके अंदर क्या है ये चीज़ आप गैस करना, और ये चीज़ आपको दिखाने वाला नेक्स्ट वीडियो में, वो गैस करो, तब तक अच्छे अच्छे कमेंट करो और ये आपको नेक्स्ट वीडियो देखने में मिल जाएगा। तो टिल देन बी सेफ, राइड सेफ एंड लव यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, थैंक यू सो मच, और ये आज ही लगेगा। चलो भाई नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं।